दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में शुक्रवार को गैंगवार हुआ। बदमाशों ने गोली मारकर दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र जोगी, जो कि 30 साल के हैं, उसकी हत्या कर दी। इस गैंगवार में गोगी समेत कुल 3 लोग मारे गए हैं। फायरिंग में 3 से 4 लोग घायल भी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गोगी पेशे के लिए कोर्ट में आया हुआ था, जहां वकील की यूनिफॉर्म में पहले से मौजूद 2 शूटरों ने उस पर फायरिंग कर दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि जब गैंगस्टर गोगी को कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाया गया तो अपराधियों ने उस पर गोलियां चलाई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को मार गिराया। उसमें से एक हमलावर पर 50,000 रुपये का इनाम था। गोगी को 3 गोलियां लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वकील ललित कुमार ने बताया कि हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। उन्होंने गोगी को लगातार 3 गोलियां मारी। गोगी की सुरक्षा में जो दिल्ली पुलिस के लोग थे, उन्होंने 25-30 गोलियां चलाई, जिसमें अपराधियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गोगी की अस्पताल में मौत हो गई। ललित कुमार ने यह भी बताया कि घटना गोगी की सुनवाई के दौरान हुई। जज, स्टाफ और वकील भी मौजूद थे। सुनने में आया कि हमारी एक इंटर्न के पैर में भी गोली लगी है। घटना आज लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच की है। सुबह ठीक से चेकिंग नहीं हो पाती, यह बहुत बड़ी लापरवाही है। जितेंद्र उर्फ गोगी पिछले 2 साल से तिहाड़ जेल में बंद था। शुक्रवार को उसे पेशी पर लाया गया था। इसी दौरान रोहिणी कोर्ट परिसर में पहले से घात लगाए बैठे अन्य 2 शूटर ने उस पर हमला कर दिया। कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग के बाद इलाके को सील कर दिया गया। इस दौरान मची भगदड़ में एक महिला वकील भी घायल हो गई। आपको ये बता दें कि जितेंद्र को 2020 में स्पेशल सेल ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। गोगी के साथ कुलदीप फज्जा को भी पकड़ा गया था। कुलदीप फज्जा बाद में 25 मार्च को कस्टडी से फरार हो गया था। फज्जा जीटीबी अस्पताल से फरार हुआ था। बाद में वह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक जितेंद्र गोगी ने अपराध के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई है। उसके नेटवर्क में 50 से ज्यादा लोग हैं। गौरतलब है कि गोगी को अप्रैल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रक कानून यानी कि माकोका के तहत गिरफ्तार किया था। फरवरी 2017 में उसने अलीपुर के देवेंद्र प्रधान की हत्या की थी, क्योंकि प्रधान का बेटा उसके सहयोगी निरंजन की हत्या में शामिल था। अक्टूबर में गोगी ने हरियाणा की लोकप्रिय गायिका हर्षिता दाहिया की हत्या की थी, जो अपने करीबी सहयोगी दिनेश कालरा के खिलाफ दर्ज एक हत्या के मामले में मुख्य गवाह थी। वहीं गोगी के गैंग ने नवंबर में स्कूल के बाहर एक टीचर दीपक की और जनवरी 2021 में प्रशांत विहार में रवि भारद्वाज नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।